Good morning, class. Today we are going to study chapter number 6. That's name is Expert Detectives. Do you know what a detective is? Detective is a person that has been assigned to reveal the truth, to explore the truth behind any mystery, behind any criminal case. That is called a detective. Detective is not like a spy. Detective is not like a law agent, and a detective is not like तो ऐसे लोग को हम डिटेक्टिव नहीं कहते हैं. डिटेक्टिव और स्पाई में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आप लोग जान लीजिए. डिटेक्टिव वो होता है जब किसी कोई केस हो जाता है और उसके बाद उस केस की क्या मिस्ट्री है, उस केस में क्या मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, इन चीज़ों की जो खोज करता है उसे हम लोग डिटेक्टिव कहते हैं. और स्पाई कौन होता है बच्चों? स्पाई वो व्यक्ति होता है, स्पाई एक होता है स्पाई और एक आपका ये है डिटेक्टिव. तो स्पाई वो व्यक्ति होता है जो किसी जगह की इम्पोर्टेंट जानकारी निकालता है. जैसे कि आपके यहाँ जो इंडिया में है, जैसे आपकी रॉ है, रॉ जानते हो ना आप लोग? रॉ जो है ये आपकी एजेंसी क्या करती है, ये दूसरे कंट्रीज में अपने एजेंट्स को भेजती है. क्या करती है? अपने एजेंट्स को भेजती है. जो एजेंट क्या करते हैं, वहां के बारे में पता लगाकर अपने देश को जानकारियां देते हैं. ऑब्वियस किसी की सी बात है कि अगर कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ कोई प्लान बना रही है तो उसका पता दूसरी कंट्री को होना चाहिए. ऐसा जनरली हम लोग करते भी हैं, ठीक है. तो कुल मिलाकर हमें यह पता चला कि रॉ और आपका ये इसका जैसे रॉ है वो किसकी एजेंसी है? स्पाइयों की एजेंसी है. स्पाई मतलब जो स्पाई होते हैं उनकी एजेंसी है. लेकिन डिटेक्टिव कौन होते हैं? डिटेक्टिव होते हैं सीबीआई वाले. कौन होते हैं? सीबीआई वाले. अब डिफरेंस जान लो, सीबीआई वाले, सीआईडी वाले, ये सब जो होते हैं, एसटीएफ वाले, ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो लोग डिटेक्टिव होते हैं. और रॉ वाले और आईबी वाले ये सब क्या होते हैं? ये सब स्पाई होते हैं. अंतर दोनों में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब आगे चलते हैं हम चैप्टर के बारे में. सो द चैप्टर इज अबाउट अ स्मॉल बॉय, हिज नेम इज निशाद, अ बॉय ऑफ 7. इट मींस ही इज 7 ईयर ओल्ड एंड ही इज आल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम्स mean the seventh note of the musical scale. What is the musical scale? Do you know musical scale like sare gama pa ni sa? So these are the musical scales, and in that musical scale the seventh one point is called nishad. Okay, nishad ka kya matlab hota hai? Jo music anunad hota hai, us music anunad mein jo saatva akshar hota hai use hum nishad kehte hain, theek hai. Isliye iska naam 7 है और वो 7 साल का है भी. तो ये एक तरीके का जो हमें ऑथर है वो हमें एक तरीके की रिजेंबलेंस बता रहा है, एक तरीके की उसके नाम की इम्पोर्टेंस बता रहा है, ठीक है. एंड ही इज अ 10 ईयर ओल्ड सिस्टर माया. हिज सिस्टर नेम इज माया. आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन एक आदमी जिसका नाम क्या है, मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए उत्सुक है. क्यूरियस मतलब क्या होता है? उत्सुक होना, enthusiastic, excited होता है. एक मिनट हाँ क्लास. The boy and the girl, his name is Nishad and the girl name is
सो बोथ वर क्यूरियस एंड एक्साइटेड अबाउट मिस्टर नाथ दैट वॉट ही इज डूइंग वाई इज नेचर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स सो दीज आर द मेन कंसर्न ऑफ माया एंड निशा देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोज इन टू द मिस्टर नाथ रूम एंड निशा गेट्स अ चांस टू सी हिम एक दिन मार्बल जानते हो आप लोग जो छोटी छोटी अंटियाँ होती है ना बच्चे खेलते हैं बहुत पहले बच्चे लोग बहुत खेलते थे आपको खेलने वाले गेम बहुत कम हो गए हैं तो आप लोग देखे होंगे जो आपकी जो लेड बॉल्स होती हैं उसे वो मार्बल बोलते हैं तो एक दिन बच्चों की मार्बल जो है वो मिस्टर नाथ के रूम में चली जाती है तो पहली बार निषाद को मौका मिलता है क्या मौका मिलता है मिस्टर नाथ को अच्छे से देखने का मतलब क्लियरली उनका फेस देखने का इज ही अप्रूव ऑन द रन मतलब क्या जाना चाहता है पहला क्वेश्चन उसके मन में है कि वो कोई भगोड़ा तो नहीं है ऑन द रन मतलब कोई भागा हुआ कैदी तो नहीं है वाई इज ही फेस बैडली स्कैर्ड मतलब उसका फेस में इतने सारे मतलब जख्मों के निशान क्यों है इसका का मतलब होता है जख्मों के निशान तो उसके चेहरे पर इतने सारे जख्मों के निशान क्यों है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई हैज ही नो फ्रेंड्स क्यों ही फ्रेंड उससे मिलने क्यों नहीं आता ऐसा होता है जनरली कि हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ना ही समाज से ज़्यादा मतलब रखता हो ना ही समाज में किसी से बोलता हो ना ही उसके मन में किसी के प्रति कोई खास प्रेम हो तो ऐसे लोगों को लोग ज़्यादातर संदिग्ध नज़र से देखते हैं या फिर उन्हें घमंडी मानते हैं तो बच्चों का भी यही मानना था कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई क्रिमिनल है और क्रिमिनल है इसीलिए वो लोगों से बातें नहीं करना चाहता या वो लोगों से ज़्यादा संबंध नहीं रखना चाहता इसलिए क्योंकि वो कोई भागा हुआ कैदी है कहीं ऐसा है कि अगर वो भागा हुआ कैदी है तो वो कभी भी हम पर हमारे फैमिली पर भी अटैक कर सकता है अब देखो क्या लिखा है निशाद मदर अ डॉक्टर निशाद की मदर क्या है एक डॉक्टर है नोज मिस्टर नाथ वो मिस्टर नाथ को जानती है एज अ पेशेंट कैसे वो उनका पेशेंट है एंड हु इज वेरी पोलाइट निशाद की मदर पेशेंट को जानती है कि वो बहुत ही क्या है पोलाइट है बहुत ही विनम्र है और बच्चों को क्या लगता है कि वो एक क्रिमिनल है अब चलते हैं आगे कि बच्चों की ये जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व होती है लेट्स सी एज ही वॉक्ड बैक टुवर्ड्स द क्लीनिंग सेवन सेट यहाँ पे सेवन देखो लिखा हुआ है सेवन का मतलब निषाद से है याद रखना जब भी सेवन लिख कर आएगा तो समझ जाना कि निषाद की बात हो रही है ठीक है एज ही वॉक्ड बैक टुवर्ड्स द क्लीनिंग सेवन सेट ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat. तो यहाँ पर निषाद का कहना है अपनी बहन माया से कि तुम्हें नहीं लगता कि वो बिल्कुल राक्षस जैसा है Monster means राक्षस दानव हम कह सकते हैं दानव हिंदी वाला अब कहोगे मैम दानव और राक्षस में क्या फर्क है देखो मैं तुम लोगों को एक बात बता दूँ हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि कश्यप ऋषि के तीन पुत्र थे तीनों में कुछ हुए देवता कुछ हुए राक्षस और कुछ हुए दानव अब कहोगे मैं इनमें क्या डिफरेंस है बता दे रही हूँ देवता वो होते थे जो अच्छा काम करते थे वो देवता होते थे राक्षस वो होते थे जिनमें तामसिक प्रवृत्ति होती थी और तीसरा दानव वो होते थे जो दूसरों को खाकर अपना जीवन बिताते थे तो आप लोगों ने देखा होगा रामायण महाभारत में जो पूतना राक्षसी थी पूतना या तारका ये सब क्या थी ये सब दानव थे राक्षस नहीं थी वो क्या थी पूतना जो थी वो दानव थी राक्षस कौन थे जैसे रावण था वो राक्षस था आप समझ में आया डिफरेंस जान लो आगे चलते हैं मेरा मकसद आप लोगों को रामायण महाभारत पढ़ाना नहीं है तो मैं आप लोगों को मॉन्स्टर में और इसमें डिफरेंस बता रही थी ठीक है सो द नेक्स्ट पॉइंट इज हम मॉन्स्टर की बात कर रहे थे तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये मॉन्स्टर जैसा दिखता है फिर वो कहता है बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज लेकिन वो कितना पतला है इंग्लिश में मॉन्स्टर उसको कहा जाता है जिसकी बॉडी बहुत भयंकर हो जैसे महिषासुर जैसी बॉडी हो उसकी तो उसके लिए मॉन्स्टर लगाया जाएगा जैसे किसी आदमी की बॉडी बहुत भयंकर होती है तो उनके लिए हम मॉन्स्टर लगाते हैं लेकिन यहाँ का जो व्यक्ति है वो बहुत ही पतला है तो उसका ये जो तर्क है ये जो लॉजिक है वो रॉन्ग है कि वो मॉन्स्टर जैसा दिखता है मे बी ही इज वेरी पुअर मुझे ऐसा लगता है कि वो
वो बहुत गरीब है और खाना नहीं खा पाता, he cannot afford, मतलब वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता कि वो अच्छा भोजन कर सके, इसीलिए शायद वो बहुत पतला है। लेकिन वो एक मॉन्स्टर है, कौन कहता है, हमारा नैरेटर कह रहा है, नैरेटर मतलब हमारा जो कहानीकार है वो कह रहा है। He can't be poor if he is a crook on the run. I told him he is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. माया कहती है ये बात, ये जो पूरी कहानी है वो हमें माया सुना रही है, ठीक है। तो माया से उसका भाई कहता है कि वो मॉन्स्टर है, अब वो कहती है नहीं मुझे नहीं लगता कि वो कोई गरीब आदमी है, अगर वो भागा हुआ व्यक्ति है तो सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति जेल से भागा है या पुलिस की पकड़ से भाग रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास कुछ माल होगा, कुछ पैसा होगा जिसको वो छुपा कर कहीं ना कहीं रखता होगा। तो जस्ट दे वर थिंकिंग अबाउट द सेम दैट ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज, मुझे लगता है कि उसके पास लाखों रुपए होंगे जो स्टैश अवे मतलब होता है हाइड, छुपा देना, जो उसने कहीं पर गाड़ कर छुपा कर अपने रूम में रखे होंगे, हिडन अवे लिखा है ना, छुपा दिए होंगे। सो डू यू रियली थिंक ही इज अ क्रिमिनल, माया तुम्हें लगता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो एक क्रिमिनल है? He doesn't look like one, लेकिन वो ऐसा दिखाई तो नहीं देता, क्योंकि अगर वो क्रिमिनल होता तो मतलब अजीब सा होता ना, उसकी उसकी अजीब उसकी आंखें उसकी हरकतें अजीब होती, लेकिन मम्मा तो कहती है वो बहुत ही पोलाइट है। अब देखो दोनों के बीच में एक डिस्कशन चालू हो गया है। Of course he is born seven. बिल्कुल क्यों नहीं seven? जरूर वो है। I said and he certainly isn't starving. और मैं ये भी जानती हूँ कि पक्का वो भूखा भी नहीं मर रहा, मतलब starving मतलब होता है भूखा मरना, और उस वो भूखा भी नहीं मर रहा, मतलब वो भले ही पतला हमें दिखता है लेकिन वो अच्छे अच्छे भोजन करता होगा। Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. अब देखो वो अपना तर्क साबित करने के लिए कहती है कि मिस्टर मेहता मुझे बता रहे थे कि रमेश जो कि सर्वेंट है वो रोज उसके लिए रेस्टोरेंट से भोजन लेकर सीढ़ियों के पास जाता है। कहाँ जाता है? सीढ़ियों के ऊपर जाता है। अब वो उसका कमरा कहाँ होगा? सीढ़ियों के ऊपर होगा। नेक्स्ट They were talking about. You can see the in the picture, Mr. Nath. You can see his face is totally scarred. And Maya and Nishad both were talking to each other about Mr. Nath's appearance and his work. So, but Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. लेकिन मावा तुम्हें याद है Mr. Mehta ये भी बता रहे थे कि वो कहीं काम नहीं करता. मतलब there is no mean of earning. So how can he possibly have money to pay for the food? तुम्हें क्या लगता है कि किस तरीके से वो पैसा लाता है खाना खरीदने के लिए? अगर वो कहीं काम नहीं करता तो how he can get the money for the food? Exactly, I exclaimed. मतलब ऐसा exactly यही तो। He must have lots of money hidden somewhere. मुझे लगता है उसने बहुत सारा पैसा कहीं छुपा कर रखा होगा। Maybe in that trunk in his room. मुझे लगता है जो उसने अपने कमरे के अंदर एक बक्सा रखा हुआ है ना, ट्रंक मतलब होता है बच्चों बक्सा, तुम लोगों ने देखा होगा बचपन में क्या आप लोगों के घर में भी देखा होगा एक बड़े बड़े बक्से होते हैं, आर्मी में आप लोगों ने देखा होगा कुछ बक्से होते हैं ग्रीन कलर के और उसमें ढेर सारे आर्मामेंट्स रखे जाते हैं, मतलब बंदूकें और मतलब बारूद ये भी सारी चीज़ें ये सब उसमें रखी जाती है ना, तो उन्हें हम लोग जो बक्से होते हैं उन बक्सों को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रंक। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद वो सारा पैसा उसने कहाँ छुपा रखा होगा, अपने कमरे में रखे हुए ट्रंक में। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड वो कहता है शायद ये सोने चांदी हीरे जवाहरात शायद इन चीज़ों से वो भरा होगा। व्हाट रमेश, निषाद इंटरप्टेड, अचानक बीच में टोकते हुए निषाद ने उसे कहा क्या बकवास बात करती हो तुम? I know I am right, stupid, बेवकूफ मूर्ख, मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ। कौन कह रही है? माया कह रही है। By the way, seven, did you see his scars? चलो ये भी छोड़ो, तू बताओ कि did you see his scars? क्या तुमने उसके चेहरे के अजीब अजीब से खरोच के या उसके निशान देखे हैं? I couldn't. It was too dark.
मैं तो देख भी नहीं सकती हूँ, मतलब मैं तो देख भी नहीं पाई, इसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि मैं उसे देख भी नहीं पाई। एंड इट वॉज टू डार्क, मतलब वो जो स्कार्स थे उसके चेहरे पर वो बहुत ही क्या है, भयंकर है, गाढ़े हैं। बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि उसके चेहरे पे जो खरोच के निशान है, मुझे लगता है कि वो किसी पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसको पाल मिले होंगे। मुठभेड़ क्या होती है आप लोगों को पता होगा, मूवी देखी होगी आप लोगों ने, शूट आउट एट बडाला, शूट आउट एट मुंबई, दुनिया भर का। तो ये जो ऐसी मूवीज होती हैं जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस की एक टीम होती है जो कई सारे लोगों को लेकर गुंडों के इलाके में जाकर घुसती है और वहां जाकर एनकाउंटर कर देती है, होता है ना। तो वो उस तरीके का, उसी को बोलते हैं हम शूट आउट। क्या बोलते हैं? शूट आउट। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले विकास दुबे का केस देखा होगा, जब विकास दुबे को मारने के लिए 10 पुलिसकर्मी गए थे तो उधर साइड के लोगों को पहले ही पता चल गया था कि पुलिस वाले आए हैं और उन लोगों ने 10 पुलिसकर्मी जान से मार दिए गोलियां चला के। तो इस तरीके से इसी को हम लोग बोलते हैं शूट आउट। तो माया का ये कहना है कि मुझे लगता है कि वो जो चेहरे पर उसकी खरोचे हैं वो किसकी वजह से है, जब पुलिस ने उसके साथ कुछ मुठभेड़ करी होगी या उसके साथ हाथापाई हुई होगी तो पुलिस ने उसके चेहरे पर खरोच दिया होगा या उसको मारा पीटा होगा, उसी वजह से उसके चेहरे पर इतने सारे निशान हो गए हैं। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दैट दे वर बर्न स्कार, निशान सेट फॉर्मली। लेकिन निशान ने बड़े ही मजबूती से माया की बात को काटते हुए कहा, लेकिन मम्मी ने तो हमें बताया था साफ साफ कि उनके चेहरे पर जो निशान है वो किसके हैं, जलने के निशान है, मतलब उनका चेहरा कभी किसी जमाने में जल गया था और इस वजह से उनके चेहरे पर ऐसे निशान पड़ गए हैं। माया उन जले हुए मतलब जले हुए चेहरे के निशानों को क्या मानती है, शूट आउट का रीजन मानती है। लेकिन निशाद जो कि मम्मी की बात मानता है, उसका ये मानना है कि नहीं, वो ऐसा क्रिमिनल व्यक्ति नहीं है। अब आगे देखो क्या होगा। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. माया ने बोला, Seven looked unsure. लेकिन Seven को अभी भी इस बात का भरोसा नहीं हुआ है कि माया ऐसा क्यों कह रही है। शायद मुझे लगता है कि पुलिस ने उसके घर पर आग लगा दी होगी। कौन कहती है? माया कहती है कि शायद पुलिस has burnt his house so that he could कम आउटसाइड, ताकि वो बाहर आ सके, बाहर निकल सके। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड व्हेन दे रिटर्न निशाद टोल्ड मी ही बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड that I hadn't been there. So on the Monday, Maya is saying about herself that on the Monday following, मतलब उसके बाद Monday को क्या हुआ कि मम्मा का birthday था and Seven went alone with her to the clinic. मम्मा का birthday था और Seven निशाद था, वो मम्मा के clinic चला गया at Gurgaon as he was spending the evening with a school friend. और clinic कहाँ है उनका? Gurgaon में है, Gurgaon. इसे आपका गुड़गांव है ना, जस्ट लाइक दिस गुड़गांव। तो गुड़गांव में उसकी मम्मी का क्लिनिक है जहाँ उसने अपना पूरा दिन स्कूल फ्रेंड के साथ बिताया, मतलब इन द क्लिनिक सम अदर स्कूल फ्रेंड वाज आल्सो देयर एंड निशाद वाज आल्सो एंजॉयिंग दैट डे विद हिज मदर। व्हेन दे रिटर्न निशाद टोल्ड मी ही बीन टू सी मिस्टर नाथ, इट मींस ऑन दैट डे मिस्टर नाथ वाज आल्सो present in the party of Nishad's mother and he felt most annoyed. Who felt most annoyed? The girl Maya felt very annoyed, irritated that he hadn't been there. अब जो कि मिस्टर नाथ से निशाद जो है वो मिस्टर नाथ से मिलकर चला आया है, लेकिन माया जो है वो नहीं मिल पाई है, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा है और बहुत ही इरिटेट हो गई। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance. What is the meaning of gaunt? Gaunt means sicky. Sicky means very bad. Sicky appearance मतलब जैसे किसी को देखकर आपको घृणा आने लग जाए,
इज टोटली ऑफ हेट्रेड, मतलब किसी आदमी को देख करके आपको घृणा आने लग जाए, कुछ ऐसा अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब कि वो कैसा दिखता है, उसका अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। तो सेवन ने बताया कि जब मैंने पहली बार मिस्टर नाथ को देखा, उनकी अपीयरेंस, उनके चेहरे हाव भाव को देखा, तो उसका मन बहुत खराब हो गया, उसका मन एकदम दुखी हो गया देखकर। एंड वॉज श्योर, और उसे ये भी लगा दैट ही वॉज स्टार्विंग, जैसे कि वो भूखा मर रहा हो, उसे ऐसा अभी लगा उसके चेहरे को देखकर, उसकी इतनी पैथेटिक कंडीशन थी कि उसके टेरिबल फेस को देखकर उसे वो एक्सेप्ट हो गया, और यहाँ तक उसे ये भी लग रहा था कि वो भूखा मर रहा है। एंड ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली और मिस्टर नाथ्स डोर इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ ऑन दैट डे, और ये भी बताया उसने कि उस दिन वो मिस्टर नाथ के कमरे के पास गया और उसने डोर को खटखटा कर मिस्टर नाथ को पुकारा। द मैन हैड ओपेंड इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट एंड अनदर मार्बल, तो उस आदमी ने, मतलब जो मिस्टर नाथ थे, उन्होंने दरवाजा खोला और पूछा कि क्या दोबारा तुम्हारी मार्बल खो गई है, बिकॉज द लास्ट टाइम व्हेन निषाद एंटर्ड इन द रूम द ओनली पर्पस टू गेट द मार्बल फ्रॉम द रूम ऑफ मिस्टर नाथ। सो दिस टाइम मिस्टर नाथ अगेन वॉज थिंकिंग अबाउट दैट ही लॉस्ट हिज मार्बल अगेन एंड दैट्स वाई ही हैड टू कम इन द रूम ऑफ मिस्टर नाथ। Then he had obviously recognized my brother. No, who had recognized? Mr. Nath has recognized Nishad because he saw him many times again and again. But both were the children were thinking that Mr. Nath was not recognizing him. No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. What he did, the boy Nishad went into the room of Mr. Nath and gave a bar of chocolate to Mr. Nath. Why, let's see. Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? तो जो कहते जो आपका ये है क्या नाम है मिस्टर नाथ है वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरे ट्रंक में घुसने का मौका कभी मिला है, क्या तुमने मतलब मेरे ट्रंक को खोल के कभी देखा है, ऐसे ही झटाक से पूछ लिया उसने। किसने? हमारे मिस्टर नाथ ने अचानक से बिना किसी रीजन के उसने क्या पूछा उससे कि क्या तुमने मेरी संदूक खोलकर कभी देखी है, क्या पूछा उसने? ऐसा पूछा इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि निषाद और माया दोनों ही उसे क्या करते हैं, डाउटफुली नजरों से देखते हैं, और शायद उसे इस बात का आभास हो चुका था। दैट्स व्हाई जब उसे ये बात पता चला कि निषाद को ये बात पता चली कि हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं सेम थिंग ही हैज आस्क्ड टू हिम, सो ही लुक्ड वेरी डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ही अपसेट हो गया कि जो बातें हम इनके बारे में सोचते हैं वो इन्हें पता कैसे चली। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड ही देन ही स्माइल्ड बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक्ड टू हिम, उस वक्त उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, वो बस स्माइल करे, और उसके बाद मैंने पता है मैंने कोई कुछ और बातें भी पता लगाई हैं, क्या पता लगाई हैं, फिर मैं नीचे गया और मैंने रमेश के जहाँ पर रमेश काम करता है, मतलब वो who always brings the fruit for Mr. Nath, he asked to Ramesh about the food. What the food? Let's see. About the behavior of Mr. Nath. Then, good for you, Mr. Detective. बहुत अच्छा किया तुमने। माया ने किससे कहा? अपने भाई से कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया कि उसके बारे में और भी बातें पता लगा ली। Mr. Detective, वो किसके बारे में कह रहा है? वो उसको बोल रही है Mr. Detective कि बहुत अच्छा किया तुमने उसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करके। आई सेड पैटिंग, पैटिंग मतलब होता है पीठ थपथपाना, ऑन द बैक, मैं उसके पीठ थपथपाते हुए बोली कि बहुत अच्छा किया मिस्टर डिटेक्टिव, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मुझे लगता है तुमने उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे होंगे। तो सेवन लुक्ड प्लीज, सेवन वॉज वेरी हैप्पी दैट माया वॉज एप्रिशिएटिंग टू हिम। देन
Ramesh told me that he takes two meals for Mr. Nath every morning and evening. Look, now it is the more doubtful thing that whenever Mr. Nath asks the food, he asks the food for two people. This is the point to be noted. मतलब वो एक लोगों के लिए खाना नहीं, वो दो लोगों का खाना मंगाता था हर रोज मॉर्निंग और हर रोज इवनिंग में. एंड टू कप ऑफ टी, और कितने कप चाय? दो कप चाय मंगाता था. वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून. एक बार मॉर्निंग में और दूसरी बार आफ्टरनून, दोपहर में. रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स. मतलब कि वो बहुत चूजी नहीं है खाना खाने के मामले में, बहुत चूजी नहीं है. जैसे क्या होता है, चूजी होने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग बहुत सेलेक्टिव होते हैं. लाइक दे वॉन्ट समडे, दे वॉन्ट मटर पनीर, अनदर डे दे वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, अनदर डे दे वॉन्ट समथिंग डिफरेंट. Even they are asking the food from the restaurant, that means they should order whatever they want. But Mr. Nath never asked for the different food. He always asked the same food for all the day. So he was not very selective about his foodie habit. And it's always the same food. Two chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. और ये भी पता चली कि मिस्टर नाथ क्या करते हैं, टू चपाती मंगाते हैं, कुछ दाल और सब्जियां मंगाते हैं, और उसके अलावा वो जब पेमेंट करते हैं तो वो ऑनलाइन नहीं करते, बल्कि कैसे पेमेंट करते हैं, कैश इन डिलीवरी करते हैं. मतलब ही पेस कैश. टिप्स वेल भी लिखा हुआ है, मतलब कि वो रमेश को पैसे भी देते हैं. रमेश को क्या करते हैं, पैसे भी देते हैं. एंड रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज. और पता है महाराज, रमेश ने मुझे कुछ एक और बड़ी अजीब बात बताई. क्या? ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज टू लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम. हर संडे वो जब भी दो लोगों का लंच लेकर जाते हैं, मतलब और दिन तो वो ब्रेकफास्ट मंगाता है और डिनर मंगाता है, बट ऑन द संडे ही आस्क द फूड फॉर थ्री टाइम. The first one in the morning, then lunch and then dinner. So at the time of lunch, he asked the food for two people. And whenever he went into the room of Mr. Nath, Ramesh found a man to talk with him. एक आदमी को हमेशा वो बात करते हुए पाता है, और वही आदमी हर संडे उस व्यक्ति से मिलने आता है. तो ये बात अब हम लोगों के लिए क्या हो गई है, बात करने वाली हो गई. मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट जानकारी हमें मिल गई है कि एक आदमी हमेशा संडे को उनसे मिलने आता है, और हमेशा वही आदमी मिलने आता है और कोई नहीं आता. ही इज टॉल. वो आदमी कैसा दिखता है? ही लुक्स टॉल, ही इज अ फैट एंड स्टाउट. का मतलब होता है बॉडी उसकी कैसी है, मजबूत है. एंड वेयर्स, पहनता है स्पेक्टिकल्स. क्या पहनता है? चश्मे पहनता है. एंड रमेश इज हिज विचर टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक. और कितनी अजीब बात है कि उसने ये भी बताया कि जो विजिटर उसके यहाँ आता है, मतलब हु लुक्स टॉल फेयर स्टाउट एंड वेयर्स स्पेक्टिकल, ही टॉक्स टू हिम अ लॉट. मतलब उससे वो बहुत सारी बातें करता है. जनरली वो इतना नहीं बोलता, लेकिन जब वो व्यक्ति आता है तो उससे वो बहुत सारी बातें करता है. सो आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट दिस चैप्टर टुमारो. फॉर टुडे दिस मच ओनली. थैंक यू क्लास. वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? यू कैन.